हाई एवरीवन, आई एम उज्जल गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड. फर्स्ट, एक्सप्लोर एरिया अराउंड योर हाउसिंग. नाउ एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट आपके घर के आसपास का एरिया, आपको नेबरहुड की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब आपके हॉलीडेज हो, आपके यू नो वीकेंड ऑफ हो, आपकी छुट्टियां हो, तो प्लीज डू समथिंग, टॉक टू पीपल, मेक फ्रेंड्स, डोंट जस्ट ले इन योर बेड. सेकेंड, रिसर्च कंट्रीज कल्चर. वहां जाने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है, दैट इज एक्सप्लोर द कल्चर. कल्चर इज लाइक हाउ डू पीपल बिहेव देयर, व्हाट डू दे ईट, रीड अबाउट इट, लर्न समथिंग, व्हाट्स एक्सेप्टेबल टू डू इन पब्लिक देयर एंड व्हाट्स नॉट. बिकॉज क्या होता है कि कल्चर को लेके लोग सेंसिटिव होते हैं, तो उनके कल्चर का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. रिसर्च अबाउट करेंसी एंड कार्ड्स. जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसकी करेंसी आपको पता होना चाहिए, एक्सचेंज रेट आपको पता होना चाहिए. देन व्हेन आई टॉक अबाउट कार्ड्स, सो आप जहां पे भी जाएंगे, यू नो ट्रैवल कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो, जस्ट कैरी योर स्टूडेंट कार्ड. स्टूडेंट कार्ड हो गया या आपके बैंक कार्ड हो गए. इन एनी सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में फंस सकते हैं. जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट इन एनी केस अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है, देन प्लीज कैरी योर कार्ड. और इन स्टूडेंट्स कार्ड की वजह से आपको काफी जगह लाइक रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, आपको डिस्काउंट भी मिलता है. नाउ पैक अ कैरी ऑन. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लगेज यू नो थोड़ा लेट आए, एक दो दिन बाद आए, सो आपको जाते ही सपोज क्लासेस अटेंड करनी है, तो कैरी ऑन आपके पास होना चाहिए. उसमें आप बेसिकली दो दिन अपने कपड़े रख सकते हैं, मेडिसिन, टॉयलेटरीज रख सकते हैं, आपके चार्जेस वगैरह, जो भी आपको टेक्निकल चीजें चाहिए वो सब रखिए, ताकि आप क्लास अटेंड कर सके द वेरी फर्स्ट डे यू रीच देयर. नेविगेशन ऐप, जैसे इंडिया में भी है, हम यहाँ पे भी जाते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो हम गूगल मैप, नेविगेशन ऐप हमारे पास होता ही है, तो वहाँ पे भी आपके डिवाइस में नेविगेशन ऐप होना चाहिए, आपके सेलफोन में. बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू आर इन अ न्यू सिटी, राइट? तो आपको कौन सा रूट लेना है, बस रूट ठीक रहेगा, ट्रेन रूट से आप जल्दी पहुंचेंगे, फेयर कहाँ पे चीप है, तो वो सब आपको नेविगेशन ऐप के थ्रू बहुत हेल्प रहेगा. सो देन यू विल बी एबल टू नो हाउ टू गेट अराउंड एंड वेयर टू गो एंड हाउ टू गो. बी इंडिपेंडेंट. नाउ यहाँ पे क्या होता है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपको हर चीज में हेल्प करने के लिए, कुछ आपसे नहीं हो रहा तो आप उन्हें पूछ लेते हैं, उनकी हेल्प ले लेते हैं, बट वहां जाके यू नो कि आपको हर चीज खुद करनी है. बीट क्लोथिंग, बीट कुकिंग, बीट लॉन्ड्री, बीट क्लीनिंग, आपको खुद ही करना है. ऑफकोर्स आप मेस रख सकते हो, आप शुरू शुरू में लॉन्ड्री के लिए बाहर कपड़े दे सकते हो, बट ग्रेजुअली स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअली अपना एक बजट बना लेते हैं. तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना एक बजट बना लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे कितना स्पेंड करना है, कहाँ पे आपको सेव करना है, तो ग्रेजुअली स्टूडेंट्स सब कुछ करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं. इस जस्ट आप ये काम कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होती है, सेल्फ डिस्कवरी भी होती है, तो ये पर्सनालिटी के लिए भी आपका अच्छा है. लास्ट, स्टे फोकस्ड. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को पढ़ाई में इतना नहीं है, मेरे को तो पीआर से मतलब है, या मेरे को तो जॉब चाहिए, इजीली मिल जाएगी पढ़ाई खत्म होने के बाद, स्टे बैक इतना है या इतना है, बट बाहर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है आपको वो आके आपके हाथ में ऐसे जॉब नहीं देती है. आपको खुद स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, यू नो यू हैव टू गो प्लेसेस, मीट पीपल, आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइंड अ जॉब. सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट जॉब और पीआर. आप अगर आप शुरू से ही फोकस रहेंगे, यू नो एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, जाइए बाहर, बट आपको अपनी पढ़ाई को लेके और जो आपका इंटेंशन है, आपका इंटेंशन पीआर का है या आपका इंटेंशन अपना डिग्री का है, उसको लेके स्टे फोकस्ड. ये तो हुआ कि बाहर जाके आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे, बट अगर आपको पैकिंग के ऊपर कुछ डिटेल्स चाहिए, वीडियो चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो.